हेलो दोस्तों, मेरा नाम केदार है। मैं सूरत में रहता था और कपड़े के लाइन में काम करता था। मैंने यूट्यूब में देखा इनका वीडियो बना हुआ था और डाले थे इसमें, तो रिव्यू अच्छा था, इसके लिए मैं आया और इंस्टीट्यूट में यहाँ पे। दोस्तों, सीएनसी राउटर की हमारी बैच चालू थी जो आज ख़त्म होने वाली है और ये अगस्त की बैच है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो इनको ट्रेनिंग किस तरीके से लगा और इनका एक्सपीरियंस क्या है, जो कुछ इन्होंने यहाँ पे सीखा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले कोई बात करना चाहता है यहाँ पे? आई एम शशि कुमार राणा और मैं झारखंड से हूँ, हजारीबाग जिला से। मैं पहले फर्नीचर का काम करता था और फर्नीचर के काम में हम लोग को डिजाइन का काम मिलता था, तो मैं अवेलेबल नहीं कर पाता था। इसके लिए मैं डिजाइनिंग का कोर्स सीएनजी के बारे में जानकारी मूलक, इसमें डिजाइनिंग का कोर्स होता है, तो फिर मैं यूट्यूब में सर्च मारा सीएनजी के रोटर का डिजाइनिंग कोर्स कहाँ होता है, तो मुझे कोल्हापुर में इसका मिला। तो फिर इस इधर में आया तो इधर आके बहुत अच्छा लगा। सर ने अच्छा से पढ़ाए और अच्छा से इधर पढ़ाया, अच्छा हुआ। हेलो सर। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, मैं बॉम्बे से हूँ और मेरा गांव बिहार से है। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करता था, ड्राई फ्रूट लाइन में। असल में जो मेरा भाई है जो इस फील्ड में काम करता था, तो उसने ये वीडियो देखा तो उसको ज़्यादा अच्छा लगा और प्लस मेरा काम 2 महीने से बंद था तो घर में बैठा था, तो इसके हिसाब से यूट्यूब में सर ने, मेरा भाई ने देखा था, उसके हिसाब से मैं बोल रहा ये देख, तेरे को काम अच्छा लगेगा, डिजाइनिंग का है, आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो इधर आया बोलो, तो यूट्यूब में देख के फिर मैं इधर आया, अच्छे से सिखाए। अभी समझ में आया, और आज के बोलो तो ये सब थोड़ा नॉलेज मिला है और इससे बेहतर सिखाते हैं, और मेरा थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा फिर भी अच्छा मैं सीख पाए। ज़्यादातर हमारा ट्रेनिंग हिंदी में ही होता है, तो लैंग्वेज का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं रहता, और हिंदी लैंग्वेज वैसे तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो सारा ट्रेनिंग हम हिंदी में ही करते हैं। हाँ, आपको अंग्रेज़ी कहाँ लगेगा, जहाँ सॉफ्टवेयर का मामला है वहाँ पे अंग्रेज़ी में ही चलता है, तो उतना ही क्या तो चल जाता है, ऐसी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केदार है, मैं सूरत में रहता था और कपड़े के लाइन में काम करता था। मैंने यूट्यूब में देखा इनका वीडियो बना हुआ था और डाले थे इसमें, तो रिव्यू अच्छा था, इसके लिए मैं आया। और इंस्टीट्यूट में यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और कंप्यूटर में कोरल ड्रो, आर्ट कैम कोर्स सिखाया जाता है, अच्छा है, बढ़िया सिखाते हैं, बहुत अच्छा है। यही सर हैं हमारे, यही आपको राउटर का ट्रेनिंग देंगे। थैंक यू। और कोई बात करना चाहता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास पाल है, मैं यूपी के फर्रुखाबाद से आया हूँ और मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आया था, जो कि सर हमारे सीएनसी राउटर के सर हैं ये, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते भी हैं, यहाँ से बल्कि मैं अच्छा सीख के जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं कर्नाटक से आया हूँ और मैंने अभी जिस सर का वीडियो देखा था यूट्यूब में कि सारे इंफोटेक सीएनसी के नाम से यहाँ पे सीएनसी राउटर सीएनसी एमएससी, तो हम लोग सीएनसी राउटर के लिए आए यहाँ पे, अभी 1 महीना हो गया। हमें पहले ये नहीं पता था कि सीएनसी में होता क्या, राउटर में मतलब राउटर उतना मशीन उतना ही चलाने होते, उसके लिए कंप्यूटर में क्या यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये सब चीज़ हमें पता नहीं था। पहले हम तो इतना ही सोचते थे कि हाँ बस ये कंप्यूटर में एक डिज़ाइन रहता है, उस डिज़ाइन को जाके मशीन पर छोड़ना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टफ है सीखना, लेकिन हम लोग यहाँ पर सीख गए। मतलब यहाँ पे आने के बाद में 1 महीने में ऐसा नहीं कि आप लोग सारा कुछ सीख जाओगे, यहाँ पे कम से कम आप 60-70% आपको ऑलरेडी टोटल नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा, बाकी का 30% क्या आपके एफर्ट के ऊपर रहेगा, आप कितना मेहनत करते हो, क्या करते हो। और दत्ता सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, अच्छे से नॉलेज दिए, और यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू होता है इसलिए हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे, और लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था इधर, बाकी सब तो ठीक है, अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा है, यहाँ पे सीख सकते हैं। और हमारे आते यहाँ पे नया कंप्यूटर भी 3 आया, तो पहले बैच ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ इंप्रूवमेंट भी करके गए जा रहे हैं, इसलिए हम सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि सर ने अपना बहुत मेहनत दिया इधर लगाने के लिए, और 2 दिन हमारे हैं, 2 दिन हम लोग चाहते हैं कि सर हमारे साथ फुल कोऑपरेटिव करके हमसे
जो भी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद में सर से हमारा रिलेटिव रिश्ता यहाँ पे अच्छा ही रहता है हमेशा, सबका ऐसे ही यहाँ पे, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे सीखना प्रैक्टिकल करना रहते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं हम लोग सर यहाँ पे रहते हैं और हमें सिखाते हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप भी आ जाइए सीखिए और अपना बिजनेस हम चलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 5 स्टूडेंट का ही रहता है बैचेस, ताकि उनको मशीन के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिकल मिले, उतना ही लिमिटेड हमारे यहाँ पे लैब भी था, तो इस बैच में हमारे स्टूडेंट ज़्यादा हुए, तो थोड़ा टेक्निकली इशू की वजह से थोड़ा आगे पीछे करके स्टूडेंट ने एडजस्ट करके पूरा किया। टेक्निकल इशू यहाँ पे यह हुआ कि पूरा सिस्टम एकदम झट से अगर अपग्रेड करने के लिए जाए तो उसके लिए नए कंप्यूटर लगेंगे, नए लैब लगेगा, नए इक्विपमेंट लगेंगे, तो लाने के लिए थोड़ा सा समय निकल जाता है। और ये और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट जो हमारे पास आए हुए कोई ऑल ओवर इंडिया से आए, मतलब लोकल के यहाँ के 10-20-25 किलोमीटर दूर से नहीं आए हुए, तो इतना दूर जो स्टूडेंट आए हैं उनको हम पीछे भेज भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन इनको जो ट्रेनिंग चाहिए वो 100% हमने देने की कोशिश की गई है। और सर ने जैसे कहा यहाँ पे कि 70% से ज़्यादा वो तो आप अफोर्ड, अगर 30% दोगे तो 30% भी आपका होके 100% आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज देना बात अलग है और उसको ग्रहण करके उसके ऊपर आपको काम करना थोड़ा सा अलग होता है। हम क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब जैसे मैंने 10 साल इस फील्ड में हूँ तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं अपने यहाँ पे काम कर लेता हूँ। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट तो नहीं होते, उनको ना कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होता है, ना कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता होता है, ना शॉर्टकट की पता होती है, ना उनको कुछ डेटा नॉलेज होता है, तो उसकी वजह से वो स्टार्टिंग 0 लेवल से ही चालू करते हैं, मतलब कंप्यूटर से पेंट से लेके आगे कोरल करते जाएंगे, उसके बाद आर्टीएम जाएंगे, ऑटोकैड का बेसिक देखेंगे और डिज़ाइन का कंसेप्ट, तो ये सारा डेटा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए थोड़ा समय लगता है और उसके वजह से थोड़ी दिक्कत भी आती है। ऐसे नहीं कि परेशान होते नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ अगर सीखना हो आपको तो मन से उसको पूरा ध्यान देके पढ़ना भी पड़ा चाहिए, उसके रेफरेंस देखना चाहिए और मार्केट में क्या चल रहा है, नया चल रहा है, इसके तरफ लोगों को ज़्यादातर और स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ता है। तो ये बैच में मुझे भी अच्छा लगा सिखा के, इन सब लोगों को बहुत कॉपरेट किया सब लोगों ने, थोड़े टेक्निकल इशू थे वो भी उन्होंने क्लियर करके लिया। और एक 2-3 दिन बैच अभी रहने वाली है, इनका जो कुछ टेक्निकल इशू होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल इशू मतलब क्या, कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगी, मशीन के बारे में जानकारी होगी, आर्थिंग के बारे में होगी या कोई भी ऐसी होगी, तो सारे इनका डेटा मैं पूरा क्लियर करके इन लोगों को और अच्छे तरीके से, मतलब अगले बैच में और क्या नया कर सकता हूँ ये मैं भी देखूँगा। चलो हाँ, तो आगे हमारे जानना चाहते हैं ये रत्नागिरी से आए हुए, तो देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं सतीश यादव, मैं 1 महीने पहले ये CNC राउटर का ट्रेनिंग लेने के लिए आया। यहाँ पे जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर है वो सब सर ने अच्छे से सिखाए, उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं, कंप्यूटर लैब है और जो भी चीज़ें चाहिए वो मुहैया कराते हैं टाइम पे, इसलिए पूरा कंप्लीट हो पाया। अब कुछ नॉलेज लेके जा रहे हैं, अभी उसके ऊपर प्रैक्टिस करके हम लोग देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। चलो, और कोई बात करनी चाहते हैं तो चलिए, अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नए एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।